different. And what's that? We are going to Malaysia. So मैंने और माहिर ने सोचा कि क्यों ना हम इस बार एक international trip करें. तो हम जा रहे हैं मलेशिया को, which is truly Asia. So friends, हम आपको इस मलेशिया सीरीज में हमारा हर एक एक्सपीरियंस बताएंगे. तो आज 26 दिसंबर है और कल हम पहुंचने वाले हैं कुआलालंपुर. और माय सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ हैव रिसेंटली शिफ्टेड देयर, तो थोड़ा रेस्ट ले लेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि रात भर ट्रैवलिंग रहेगी. तो कल डे वन हम जाने वाले हैं. देयर इज अ फेमस सिटी ऑफ मलेशिया कॉल्ड पुत्रजया, एंड पुत्रजया इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ कुआलालंपुर. और वहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं पुत्रा मॉस्क, लेक, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड मैनी मोर फेमस प्लेसेस. सो डे टू से हम करने वाले हैं रोड ट्रिप, बिकॉज वी वॉन्ट टू सी एंड शो यू गाइज मलेशियन रोड्स. तो हम पहले वेस्ट मलेशिया कवर करेंगे. डे टू हम जाएंगे ईपोह, एंड इट इज़ फेमस फॉर इट्स कल्चरल हेरिटेज. और सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर कॉफ़ी लवर्स, हमने सुना है कि वहाँ पे बेस्ट वाइट कॉफ़ी मिलती है. फिर हम जाएंगे पीनांग. एक्चुअली पीनांग के ऑन द वे ईपोह मिलता है, तो फाइनल डेस्टिनेशन है पीनांग. एंड पीनांग आइलैंड इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ मलेशिया. और हमने सुना है कि वहाँ का बहुत डिलीशियस स्ट्रीट फूड है वहाँ पे. और ऑल्सो इट्स फेमस फॉर इट्स स्टनिंग बीचेस एंड सम हिस्टोरिक लैंडमार्क्स. सो नॉर्थ वेस्ट में पीनांग देखने के बाद हम जाएंगे साउथ वेस्ट मलेशिया को, जहाँ पे है मलक्का. और वहाँ पे हम देखेंगे जोंक स्ट्रीट, रेड स्क्वायर, पोर्ट डिक्सन, मलक्का सल्तनेट पैलेस. और वहाँ का लोकल फूड और नाइट लाइफ बहुत अच्छी है, तो वो तो एक्सप्लोर करना बनता है. तो उसके बाद हम वापस आ जाएंगे कुआलालंपुर को, और हम जाने वाले हैं मलेशिया के सबसे पॉपुलर अट्रैक्शन पेट्रोनस ट्विन टावर्स, वेयर वी विल बी सेलिब्रेटिंग द स्टार्ट ऑफ न्यू ईयर. और 1 जनवरी को हम कुआलालंपुर एक्सप्लोर करेंगे. जनवरी 2 से ना हमारा ट्रिप का एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ने वाला है, क्योंकि वी आर फ्लाइंग फ्रॉम कुआलालंपुर टू तवाओ. तवाओ आता है ईस्ट मलेशिया में. वहाँ से हम जाएंगे सिम्पोरना, विच इज़ फेमस फॉर इट्स क्रिस्टल क्लियर वाटर्स एंड इट्स आइलैंड्स. उसके बाद हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है माबुल आइलैंड्स. आपको बता दूं कि माबुल आइलैंड वर्ल्ड के टॉप 10 डाइविंग लोकेशंस में आता है, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड. वहाँ पे हम करने वाले हैं स्नॉकलिंग, स्कूबा डाइविंग एंड मेनी मोर एडवेंचर्स. तो अभी हमारा टाइम हो गया है बोर्डिंग का, चलो चलते हैं. जब जी सोने को अच्छी जगह रहती है तो नींद नहीं आती. अभी नींद आ रही है तो सोने को जगह नहीं है, अजीब है. तो हम लोग पहुंच गए कुआलालंपुर एयरपोर्ट. आप जैसे कि देख रहे हो इधर एक्साइटमेंट तो बहुत है अभी, बट इतनी थकान हुई है कि आगे चलने की भी ताकत नहीं है. तो हम लोग अभी जा रहे हैं पुत्रजया को. वहाँ पे फर्स्ट हम एक्सप्लोर करने वाले हैं पुत्रा मॉस्क, जैसे कि मैंने आपको बोला. और भी बहुत प्लेसेस है जहाँ पे हम जाने वाले हैं. पहले तो हम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको इतना ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करनी है तो बेटर यू हायर अ कार. और हमने अपनी कार हायर कर ली है परसोना. तो वेस्ट मलेशिया के ट्रिप में यही कार हमारे साथ देने वाली है, तो चलो चलते हैं. तो हम पहुंच गए हैं पुत्रजया और हम आ गए हैं पुत्रा मॉस्क को. और आप देख सकते हो कि ये कितने सारे कार्स ऑलरेडी पार्क है, कितने सारे कार्स आ रहे हैं, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन. और इस मॉस्क को पिंक मॉस्क भी बुलाते हैं, क्योंकि ये पिंक मार्बल से बना हुआ है और बहुत ज्यादा कड़कती धूप है. अगर तुमको यहाँ अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप प्लीज, आपको सन एलर्जीज है कुछ भी है तो सनस्क्रीन लोशन और सन ग्लासेस कैरी करना मत भूलो. और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज आई वॉन्ट टू टेल यू,
कि यहाँ पे थोड़ा वेस्टर्न आउटफिट अवॉइड ही करो, क्योंकि इफ यू वेयर अ वेस्टर्न आउटफिट दे विल गिव यू द अबाया टू वेयर, सो इट्स बेटर यू कैरी अ दुपट्टा विद यू, नहीं तो वो अंदर जाने नहीं देंगे, अलाउ नहीं करेंगे। तो हम अभी जा रहे हैं अंदर। ऐसा आपको आपके हेयर कवर करना है, अदरवाइज यू विल नॉट बी अलाउड टू गो इनसाइड। और आप यहाँ देखो, हर पिंक मार्बल से बना हुआ है, और आप देखो इसके पिलर्स का शेड ऑफ पिंक अलग है, फिर वो डोम का पिंक अलग है, तो इतना ब्यूटीफुल दिख रहा है कि नमाज स्टार्टेड। What a great start! It's like a treat to your soul। और यहाँ से नमाज पढ़ के, ये ladies prayer hall है, यहाँ से नमाज पढ़ के आप यहाँ आओगे। और ये mosque जो है 1990s में बनी है, and it's named after Malaysia's first prime minister। और कम से कम 15,000 worshippers को accommodate कर सकते हैं यहाँ पे। और आगे जाओगे तो आपको मिलेगा ये beautiful सा व्यू, जो ये लेक है, ये मैन मेड लेक है, और वहाँ जो आपको दिख रहा है वो सब रेसिडेंसेस है। और क्या व्यू रहेगा उनका, एक व्यू मॉस्क का और एक व्यू लेक का, बहुत ही अच्छा बढ़िया व्यू रहेगा उनके लिए। और वहाँ जो दिख रहा है वो मैं जो आपको बता रही थी वो है ब्रिजेस, जो रेप्लिका ब्रिजेस है बनाए हैं। और दूर से एक मॉस्क दिख रही है, वो आयन मॉस्क है, तो वो पुत्रा मॉस्क के बाद पुत्रजया का सेकेंड प्रिंसिपल मॉस्क है। अभी हम वहाँ जाने वाले हैं थोड़ी देर में। इतना पीसफुल है यहाँ पे, ऐसा जाने का मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से। तो ये जो यहाँ से दिख रहा है ना, वो यहाँ का जैसा हमारा राष्ट्रपति भवन है ना, वो वैसा है यहाँ का। और ये जो है ये कोर्ट हाउस है, यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है अभी के लिए। और जो इधर लेफ्ट में है ये है आयन मॉस्क, जो मैंने आपको बताया। अभी यहाँ हम जा रहे हैं आयन मॉस्क की तरफ। और ये देखो यहाँ का 7-Eleven स्लर्पी, ये बहुत ही टेस्टी है, और इट्स ऑल्सो वेरी गुड टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। तो हम लोग पी रहे हैं और जा रहे हैं अंदर, चलो चलते हैं। हम आ गए हैं एक लंबा वॉक लेके, वो देखो उतना लंबा वॉक था, वो लंबा वॉक लेके हम पहुंच गए हैं मस्जिद के अंदर। और अभी हम जाने वाले हैं और बैठने वाले हैं थोड़ी देर उधर। और जैसे ही हमने एंटर किया वो हम लोग को ये दिए हैं, तो वी हैव टू वेयर दिस, इसके बगैर वो अलाउ नहीं करेंगे अंदर जाने को। अंदर हम ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, वो प्रेयर हॉल है, यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये मॉस्क का ना मेन फीचर, जो हम उसको किबलत वॉक बोलते हैं, जो हम चल के आए वो किबलत वॉक है, वही मेन फीचर है। यहाँ पे ना कोई फ़ैन और कोई एसी नहीं है, बट इतनी अच्छी हवा आ रही है, वो दैट इज़ बिकॉज उन्होंने गैस कूलिंग टेक्नोलॉजी डिप्लॉय की है वहाँ, यहाँ से इसलिए ऐसा लग रहा है। बट हवा इतनी अच्छी आ रही है जैसे चारों तरफ एसी है, बट है नहीं। और ये जो पानी इधर है ये भी मैन मेड लेक ही है, तो ये पानी की वजह से भी वो ठंडी हवा बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पे।
और सबसे खास बात हम लोग ने सुना अभी यहाँ की कि ये जो मीनार है यहाँ का, वो मीनार के ऊपर ग्लास के ऊपर उन्होंने कुरान के वर्सेस लिखे हैं, तो वो वर्सेस की वजह से वो एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि वो ऐसा हवा में जैसे आसमान पे ऐसा लिखे हैं जैसा इल्यूजन क्रिएट होता है, तो वो तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर रिकॉर्ड करने देंगे तो ज़रूर हम आपको वो बताएंगे। हो गई हमारी नमाज, अभी हम जा रहे हैं वापस, तो एक मॉल जा रहे हैं जहाँ पे माहिर को एक सबसे ख़ास चीज़ लेनी है, तो वहाँ जा रहे हैं। ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और गर्मी इतनी है कि रुकने को नहीं हो रहा, इधर कार का वेट कर रहे हैं। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं मॉल को और डे ख़त्म करते हैं आज का। तो मैं जो खास चीज़ की आपको बात कर रही थी ना, वो खास चीज़ यही है DJI। जो DJI का अब तक हम सिर्फ गिम्बल यूज़ कर रहे थे, आज हम देखने जा रहे हैं DJI का ड्रोन। कौन सा लेने वाले हम? Mini 3 Pro सोचेंगे। Mini 3 Pro, सब कैलकुलेशन से ही बैठ गया तो खरीद लेते हैं, फिर नहीं अगर बैठा तो नेक्स्ट टाइम ये वाला Mini 3 Pro अगर हम लिए तो ये लेंगे। तो आज का दिन बहुत अच्छे से ख़त्म हुआ क्योंकि हमने खरीद लिया है ये DJI Mini 3 Pro ड्रोन ले लिया है हमने, जो कि माहिर को बहुत 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 पहले से लेना था, जब से लॉन्च हुआ है तब से उनको लेना था, तो फाइनली ये हमको मिल गया है और आज का डे ख़त्म होता है। पुत्र जया इस डन, कल से हम पीनांग जाने वाले, तो कल मिलते हैं डे 2 के ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।